अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम आमना उस्मान है ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में पूरी ये जो पूरा उजमा खान का ट्रेंड कर रही है इस केस के हवाले से मैं दो तीन बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ सबसे पहले जो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उस्मान मलिक माय हस्बैंड हैज नथिंग टू डू विद मलिक रियाज हुसैन ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिज इमीजिएट फैमिली ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं हसान अ पर्सनल स्पैर बिटवीन हसान खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन विच हसान खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा विच वी ब्रिफ्यूज क्योंकि हम हक पे हैं सेकेंडली ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है This was not their house. This was my husband's other house, which I followed him to. So basically, ये मेरे हसबैंड का दूसरा घर था जहां पर घुसने का मेरा हर हक है ये उन लड़कियों का घर नहीं था मेरी तेरह साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आई अप्रोच हर इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग दी थी मेरा एक ग्यारह साल का बच्चा है आई एम श्योर जिन सबकी औलादे हैं और जो औरतें इस सबसे गुजर रही हैं लेकिन कंप्लीटली अंडरस्टैंड वट वाइफ गोज थ्रू एंड हाउ हार्ड ची ट्राइज टू गो टिल द लास्ट पॉइंट टू सेव अ मैरिज बट आई नो मेरे हसबैंड बट आई नो मेरे हसबेंड की सबसे बड़ी गलती है he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है बात ye है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जो हम इतकाफ से उठी हैं ये कौन सा इतकाफ है जिसपे तीन दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को को रात मिलती रही हैं लगातार मेरे पास प्रूफ है ये इतकाफे बैठी साढ़े दस बजे से उठी हैं साढ़े ग्यारह बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने जो कि वायरल हो ही चुकी है आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी हसान खान इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टांट है मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूं कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड